हेलो पिलामाने, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यापीठ ओडिया। आज आम लाइफ साइंस रो किछि सॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा, जोटा कि काली एग्जाम पई के बहुत ही इंपोर्टेंट रहइबो। ताहले तुमको ऑप्शन प्रोवाइड कराई छी, तुम्हें देखी के फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखि चलो। ताहले पिलामाने तुमको फर्स्ट क्वेश्चन पचार छी, एटा हमर होउछि हमर फिफ्थ चैप्टर माने नियंत्रण आउ समन्वय चैप्टर, जोटा कि मैं ऑलरेडी पढ़ाई सारी छी। तो उद्भिदर नियंत्रण समन्वय प्रक्रिया का द्वारा सुव्यवस्थित होइथाए? तो एक नंबर पिलामाने राइट आंसर हेइजो कोन, हार्मोन। तापर पिला माने दुई नंबर पचार छी, केउ हार्मोन उद्भिदर वृद्धि और फूल फल गठन को नियंत्रण करे? तो पिला माने दुई नंबर हे जीव के ऑक्सिन। तापर तीन नंबर पचार छी, कोन उद्भिदर मूल रे केउ प्रकार गति परलक्षित हुए? ए जो उद्भिद रहिला, उद्भिदर मूलटा कोन करे? सबले माध्याकर्षण बल पई कि तळ आड़ को जाए, ताहले सेटा होची कोन अनुकूल जानुवर्तन, ना आलोकर विपरीत दिगरे प्रतिकूल आलोकन बर्तन। ताल देखा आम से कौटा राइट आंसर अच्छी। ताल पिला माने तो तीन नंबर राइट आंसर हो प्रतिकूल जानुवर्तन हबनी, कहीं उद्भिदर मूलटा, उद्भिदर मूलटा जेहेतु मटीटा मटी आड़ को जाए से हम अनुकूल जानुवर्तन। तीन नंबर ऑप्शन सी हो पिला माने तुम्हारा राइट आंसर। तापर आसला चार नंबर पचार छी, लाजकुड़ी लतार जो गतिटा थाए ताको आम कौन कहते? ताको आम कहते सेटा होची तार अंतकुंचन गति। माने एटा तुम्हारा केते नंबर हो? सॉरी, ऑप्शन डी हो गला तुम्हारा राइट आंसर। तापर पांच नंबर पचार छी, दुईट स्नायुकोशर मध्यवर्ती स्थान को कौन कहते? कौन कहते? सिनाप्स बोली कहते। तापर आसला तुम्हारा छरे पचार छी, जैविक घड़ी भाव क्यों ग्रंथि परिचित? ताहले छ नंबर पिला माने तुम्हारा राइट आंसर हो पिनियल ग्रंथि। आउ एटा भी पचारे पिनियल ग्रंथि को कहीं जैविक घड़ी बोली कहा जाए, एटा भी पिला माने टिके देखि देथिबो। ठीक अछि, तो पिला माने जो आम पिनियल ग्रंथि रहिला, पिनियल ग्रंथिटा कौन करे? तार प्रभावटा जुवक्रांति माने प्यूबर्टी आउ डिम्बस्वर्ग डिम्बोदय और निद्रा उपरे रुहे, से आमर कौन बायोलॉजिकल क्लॉक बा जैविक घड़ी बोली कहते। तो यहाँ पिला माने तुम दुई नंबर क्वेश्चन भी गोटे हो पार देखिबो। तापर केउटी ऐच्छिक क्रिया नुहे? तो सात नंबर पिला माने तुम राइट आंसर हो ऐच्छिक क्रिया खाद्य परिपाक नुहे, कहीं खाइबा नाचवा दौड़ा आम आम इच्छार करता कि खाद्य परिपाकटा आम इच्छा हो न थाए। तापर पचार आठ नंबर स्नायुकोशर साधारणतः केतोटी नष्टि थाए? तो आठ नंबर पिला माने राइट आंसर तुम एक। तापर पचार केउटी स्नायुकोश अंतर्भुक्त नुहे? तो नौ नंबर पिला माने तुम राइट आंसर हो कौन न्यूरोट्रांसमिटर। तापर पचार दस रे स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र कहा सहित संयुक्त हो? तो टेन नंबर पिला माने तुम राइट आंसर हो कौन सुषुम्नाकांड सहित संयुक्त हो। तापर पिला माने एगार पचार मध्य मस्तिष्क केतोटी निद्दा बर्तुल पिंड को नहीं गठित? तो पिला माने मध्य मस्तिष्क केतेटा निद्दा बर्तुल पिंड अच्छे? तो पिला माने ताधर अच्छी चारिटा, केतेटा चारिटा बर्तुलाकार पिंड अच्छी, जो दुटा ऊपर दुटा कौन करती से ऊपर दुटा जो बर्तुलाकार पिंड रहिले से माने दृष्टि संबंधी प्रतिक्षेप, आउ जो माने निम्न भाग रहिले से माने कौन करती श्रवण संबंधी प्रतिक्षेप ग्रहण करती। तो मुझे एमती पचार ऊपर दुईट पिंड डास संबंधी प्रतिक्षेप ग्रहण करती, ऊपर दुटा दृष्टि निम्न दुटा तुम कौन निम्न दुटा हूँ श्रवण। तो एगार नंबर पिला मैंने ऑप्शन डी चार हो गला तुम राइट आंसर। तापर बारे पचार शरीर तापमात्रा किए नियंत्रण करता है? तो ट्वेल्व नंबर पिला मैंने ऑप्शन सी मैंने हाइपोथालामस हो गला तुम राइट आंसर। तापर तेरह पचार स्नायुकोश में कौन न थाए? तो थर्टी नंबर पिला मैंने राइट आंसर जो सेंट्रोजोमटा स्नायुकोश में न थाए। तापर चौदह पचार आम शरीर में केते जोड़ा करोटी स्नायु अच्छे? कचोटी तो भूल लिखाई। तो चौदह नंबर पिला मैंने राइट आंसर होम शरीर अच्छी बार जोड़ा करोटी स्नायु, केते जोड़ा बार जोड़ा करोटी स्नायु, आज जब सुषुम्न स्नायु पचारे तेल एकतीस जोड़ा, तेल एकतीस जोड़ा हो जाए तुम कौन एकतीस जोड़ा हो जाए सुषुम्न स्नायु आ बार जोड़ा हो जाए करोटी, जेहतु ये करोटी पचार बार जोड़ा हो तुम बारटा नुह बार जोड़ा, यहाँ गला तुम राइट आंसर ऑप्शन ए। तापर पंदर पचार केउ हार्मोन मनुष्य शरीर में शर्करार परिमाण स्थिर रखे? तो पंदर नंबर हो पिला मैंने इंसुलिन हैला। तापर इंसुलिनटा कमीगले आम शर्कराटा बढ़ जाए जोटा को आम डायबिटिस कहती। तापर तुमर सिक्सटीन नंबर पचार अग्नाशय बिटाकोशर कौन क्षरण होइथाय? ताले पिला माने अग्नाशय बिटाकोशर कौन क्षरण होइथाय फटाफट देख। ताले अग्नाशय जो थाए केतेटा कोष थाए? अल्फा कोष थाए, बिटा कोष थाए, आउ डेल्टा कोष थाए। अल्फा कोषर क्षरण हुए कौन ग्लुकागन
आल्फा कोषर ग्लुकागन बीटा कोषर कौन बीटा कोषर तुम इन्सुलिन जोटा कि तुम बॉडी रे कौन करे शर्करा परिमाणटा स्थिर रखि थाए ताले आल्फा पचार थिले तुम नै थान तो ग्लुकागन जेतु बीटा पचार छि लिखिबो इन्सुलिन जदि पचार थन डेल्टा ताले डेल्टा रु कौन खेरत हुए डेल्टा रु सोमाटोस्टैटिन खेरत हुए हला तापर 17 पचार छि आपत्कालीन ग्रंथि नाम रे केउ ग्रंथि परिचित ताले तुम्हार सत नंबर पिला माने फटाफट कह तो एड्रिनल ग्रंथी हो जीवो तुम्हार राइट आंसर ताले आम आपत्कालीन ग्रंथी बोली क्या कहते एड्रिनल ग्रंथी को आपत्कालीन ग्रंथी बोली कहते ताले तुम दी मार्क पचार पार कि कहीं आपत्कालीन ग्रंथी बोली कहते कारण पिला माने ए जो एड्रिनालिन ग्रंथि जो हार्मोनटा क्षरण हुए से तुम आकस्मित आघात भय अवस आउ जेतेबेले उत्तेजित अवस्था खेरित हुए से कहते आम आपत्कालीन ग्रंथि बोली तो पिला माने तुमको एट ए टाइम लॉन्ग क्वेश्चन भी कहीदे लॉन्ग क्वेश्चन माने कौन तुम चार मार्किया तीन मार्किया दी मार्किया पड़ो आउत सात आठ मार्किया पड़ने ना तो ओरीड हुए सहित गोटे चित्र जोटा कि तुम बोर्ड फेवरेट क्वेश्चन शुक्राणु चित्रटा देखी देखिए जाइए तीन मार्क आसपे तापर पचारि अठर क्यों हार्मोन एंटीडायुरेटिक नाम परिचित तो 18 नंबर पिला माने तुम राइट आंसर हो कौन वासोप्रेसिन हार्मोन को एंटीडायुरेटिक हार्मोन बोली कहते आसला 19 तो 19 रे पिला माने तुम पचारि क्यों हार्मोन बेंग फुलार रूपांतरण प्रक्रिया रे सहाय्य करिथाय तो 19 नंबर पिला माने तुम राइट आंसर हो क्यों हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन माने ऑप्शन सी एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तापर पचारि हार्मोन कहा सहाय्य रे शरीर रो विभिन्न प्रांत को पहुँची थाए तो 20 है जो पिला माने कौन रक्त 20 ए है गला राइट आंसर तापर 21 रे पचारि आमर स्मरण शक्ति कहा ऊपर निर्भर करे तो 21 नो पिला माने हिजो राइट आंसर कौन अग्रमस्तिष्क ऊपर थिबे भांग ऊपर तो 21 पिला माने ऑप्शन सी तापर आसला पिला माने घ्राणपाळी मस्तिष्क रो के अनुसार थाए तो 22 नंबर पिला माने तुम राइट आंसर हिजो केउटी थाए तो 22 नंबर पिला माने अग्रमस्तिष्क ताले मनुष्यर घ्राणपाळी अग्रमस्तिष्क रे थाए जोटा कि अति क्षीण भाव रे थाए किंतु कुकुर बिराड़ी बाघ जो माने रहिले तांकर घ्राणपाळी उन्नत सेतपई तांकर घ्राणशक्ति प्रखर तापर आसला 23 रे मनुष्यर मस्तिष्कर सबुठारु बड़ अंशटी कोटा तो 23 पिला माने हिजो प्र मस्तिष्क तापर 24 रे पचारि मस्तिष्कर बाह्य आवरण नाम कौन एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने 24 पिला माने राइट आंसर हो मेनिंजेस तापर 25 रे पचारि प्रत्यक्ष प्रक्रिया कहा द्वारा नियंत्रित होइथाय तो 25 पिला माने बी सुषुम्ना कांड तापर आम जा 26 नंबर को 26 रे पचारि शुक्राशय मध्य क्यों कोषर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन नामक पुरुष हार्मोन क्षरित होइथाय ताले पिला माने फटाफट कह ये तुम आंसर आल्फा कोष लेडिक कोष बीटा कोष ना डेल्टा कोष तो यहाँ पिला माने हिजो तुम 26 नंबर ऑप्शन सी माने शुक्राशय जो लेडिक कोष थाए से तुम क्षरित हुए क्यों हार्मोन से तुम टेस्टोस्टेरोन नामक पुरुष हार्मोन क्षरित होइथाए तापर पिला माने आमे जिबा आ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि पचारि एटा पचारे एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचारे मूत्र रे केउ हार्मोन उपस्थित रु जणे महिला गर्भधारण करिछि कि नै जानि हुए तो 27 नो पिला माने राइट आंसर हे जीवो तमरो कोन एटा हे जीवो पिला माने कोरियोनिक गोनोड्रोपिक हार्मोन कोन कोरियोनिक गोनोड्रोपिक हार्मोन तापर तुमर आ गोटे पचारे गोटे क्वेश्चन कि गर्भावस्थार हार्मोन क्या कहुए जदि पचारा गर्भावस्थार हार्मोन क्या कहुए तुम लिख क्या प्रोजेस्टेरोन ठीक अच्छे ताले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भावस्थार हार्मोन कहुए किंतु ये जो कोरियोनिक गोनोड्रोपिक हार्मोन रहा सेटा कौन सेटा महिला मूत्र जना पड़े कि सी गर्भधारण कर 27 पे ऑप्शन बी होगा तुम राइट आंसर सी ना जदि गर्भावस्थार हार्मोन पचार था तो ऑप्शन सी होता 28 पचारि उद्भिदर केउठारे फ्लोरीजेन तैयारी होइथाए तो 28 रो पिला माने राइट आंसर हो जाउची पत्र ताले पिला माने 28 बी पत्र हो गला तमरो राइट आंसर तापर 29 ने पचारि परिपक्व स्नायुकोष रे विभाजन काहेकि हुए नाही ताले 29 रो पिला माने तमरो राइट आंसर हो जीवो कौन सेंट्रोजोम नथिबारु माने ऑप्शन सी तापर 30 रे पचारि कौन केउ हार्मोन क्षरण कम हेले वामनता होइथे तो 30 हो पिला माने कौन ग्रोथ हार्मोन माने ऑप्शन ए तापर 31 ने पचारि अग्नाशय डेल्टा कोष रु कौन क्षरण हुए ये जस्ट कहते कौन सोमाटोस्टैटिन तो 31 ऑप्शन बी हो गला पिला माने तुम्हारा राइट आंसर तापर जीवा 32 को तो 32 रे पिला माने पचारि कौन स्नायुतंत्र गाठनिक क्रियात्मक एकक किए तो 32 हो जाऊ पिला माने किए स्नायु कोष माने ऑप्शन सी
तापर पचारे 33 रे स्नायुकोषर शाखायित तंतु को कौन कह जाए तो शाखायित तंतु जोड़ा स्नायुकोषा थाए आम स्नायुकोषा क्यों बड़े थाए ये बड़े थाए तापर ये गोटे लंब भाग लंबाटे थाए जहाँ को आम आक्सन कुल बोले कहतीपर यहीटा को आम कौन कहते यहीटा को आम कहते डेंड्राइट ताल स्नायुकोषर शाखायित तंतु को आम कौन कहते ऑप्शन बी डेंड्राइट बोली कहते। तापर 34 34 रे पचार उद्भिदर कांड आलोक आड़क जितेबाला गति करे सेटा कौन हुए आलोक आड़क गति कले सेटा हो जाए अनुकूल आलोकानुवर्तन किंतु सेटा होची जी अनुकूल आलोकानुवर्तन से होची प्रतिकूल जानुवर्तन। तापर 35 रे पचार मस्तिष्कर चारिपटे नील भितर थिबा तरल पदार्थटी कौन तो 35 पिला माने हो जाउची कौन सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य माने ऑप्शन ए। तापर 36 नंबर पचार रक्त कैल्शियम और फॉस्फोरस परिमाण स्थिर रखे साहय कर हार्मोन के तो 36 पिला माने डी माने पारथ हार्मोन हो जाउ तुम राइट आंसर। तापर 37 पिला माने केउ हार्मोन प्रभाव रे बालिका मानकर शरीर स्त्रीगौण लिंगीय लक्षण मान देखा जा सॉरी प्रकाश पाए तो 37 पिला माने हे जाउची इस्ट्रोजन तमरो राइट आंसर। इस्ट्रोजन कोडी अछि ऑप्शन ए रे अछि इस्ट्रोजन तमरो हे गेला राइट आंसर 37 नंबर। तापर 38 रे पिला माने पचारि छि कोन केउंटी फाइटो हार्मोन नुहे तो पिला माने फाइटो हार्मोन कोटा नुहे तो हमर फाइटो हार्मोन होची पांच प्रकार ऑक्सिन जिबेरिलिन साइटोकाइनिन एथिलिन आउ एब्सिसिक एसिड। तो पिला माने साइटोकाइनिन तो अच्छी ऑक्सिन अच्छी जिबेरिलिन अच्छी बाकी मेलाटोनिन नुह तो 37 ऑप्शन ए होगा पिला माने 38 ऑप्शन ए मेलाटोनिन होगा तुम राइट आंसर। तापर 39 पचार मनीष शरीर केउं ग्रंथिटी उभय अंतस्रावी आउ बहिस्रावी तो 39 रो पिला माने तुम राइट आंसर हो कौन अग्नाशय किए आमर अग्नाशय हो जाऊँ गोटे मिश्रित ग्रंथि बुझिपाल कहीं से एंजाइम आ हार्मोन दुटा जाक क्षरण होता है। तापर 40 पचार स्नायुकोषर केउठारु एसिटिल कोलिन रो क्षरण हुए तो 40 रो पिला माने राइट आंसर हो कौन एक्शन शेष भागरु। तापर 41 रे पचार कौन प्रतिक्षेप क्रिया उपर किए गवेषणा करते ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो पार तो पिला माने हो कौन इवान पी पाभ्लोव माने ऑप्शन सी। तापर 42 रे पचार क्यों हार्मोन मनुष्य शरीर में अम्लजान विनियोग परिमाण बढ़ाए तो 42 पिला माने हो कौन थायरोक्सिन होगा तो मोर राइट आंसर। तापर 43 रे पचार उद्भिद बार्धक्य त्वरान्वित करुवा हार्मोन ना कौन तो यहाँ हो पिला माने एथिलिन आउ एब्सिसिक एसिड दुटा आग है। तापर आसला 44 केउं हार्मोन अधिक क्षरण जो अति कायत्व देखा जाए तो 44 हो जाऊँ पिला माने कौन से ग्रोथ हार्मोन। तापर 46 रे पचार 45 बेकर तल भाग श्वासन उभय पटर ठीक स्वर पेटिकार पक्षक केउं अंतस्रावी ग्रंथि रही तो 45 रो पिला माने थायरॉइड ग्रंथि होगा तुम राइट आंसर। तापर 46 रे पचार केउं हार्मोन गर्भावस्थार हार्मोन नाम परिचित एटा होची प्रोजेस्टेरोन हैला एटा हो सेटा भितरे कोरियोनिक गोनोट्रोपिक हार्मोन भितरे कन्फ्यूज होबनि एटा होची गर्भावस्थार हार्मोन होची प्रोजेस्टेरोन आउ तापर को जोटा मूत्र को परीक्षा करा जाय कि महिला गर्भधारण करची कि नै जाना पड़े सेटा रे देखा जाय CGH माने सॉरी HCG माने ह्यूमन कोरियोनिक गोनोट्रोपिक हार्मोन हैला। तापर जीवा 47 पचार बाछुरी गायर चीर को चुचुमिले केउ हार्मोन प्रभाव जो क्षीर बाहर तो 47 रो पिला माने राइट आंसर हो तुम कौन एटा ऑक्सीटोसिन। तापर 48 पचार शरीर रक्तचाप किए नियंत्रण करें तो शरीर रक्तचाप नियंत्रण करे किए हाइपोथैलामस। तापर 49 पचार पिला माने सुषुम्नाकांड कहा द्वारा आवृत तो 49 पिला माने हो सुषुम्नाकांड मेनिंजेस द्वारा आवृत। तापर 50 रे पचार इवान पाब्लो प्रतीक्षा प्रक्रिया दर्शाई क्या उपर गवेषणा करते यहाँ जा पिला माने कुकुर ताले नियंत्रण समन्वय गले आम जी एवं नेक्स्ट चैप्टर को पिला माने हमर नेक्स्ट चैप्टर हो जनन जो थे पचार समविभाजन केउ अवस्था गुणसूत्र केन्द्र विभाजित हुए तो एक नंबर पिला माने तुमर राइट आंसर हो कौन एक नंबर उत्तरावस्था हो गला पिला माने तुमर राइट आंसर माने ऑप्शन सी। पिला माने जदि आंसर किसी भूलभाल देचे ताले तुम माने कमेंट सेक्शन में कमेंट करो मु पिन कर देबी। तापर 2 रे पचार परिवेश अनुसार केउ कवकटी उभय चलरणीय और अचलरणीय सृष्टि करे तो पिला माने 2 नंबर राइट आंसर हो पाइथियम। तापर 3 रे पचार केउटे जन्म नियंत्रण पई पुरुषों पई स्थायी पद्धति
तो तीन नंबर पिला माने राइट आंसर हो तुम कौन ऑप्शन ए वासेक्टोमी आ जोटा महिला मान क्षेत्र हुए ट्यूबेक्टोमी। तापर चारे पचार समविभाजन क्यों अवस्था गुणसूत्र गुड़िक मध्य समतल भाग को चली आसती तो चारि नंबर हो पाने मध्यावस्था। तापर पाँच पचार मनिषे साधारणतः तो स्त्री जननतंत्र क्यों स्थान में समायन घटे यहाँ गोटे पाने इम्पोर्टाट क्वेश्चन आपको मन रख तो यहाँ हो पांच नंबर पे डिम्बाई नली हो तुम रईट आंसर मैंने अप्सन ए। तापर जी आम छ नंबर को छ नंबर पे पचार कौन क्यों दिन विश्व एड्स दिवस पालन कराए ये तो समझ जान थे डिसेम्बर एक। तापर पचार चलरेणु द्वारा किए वंश वृद्धि करें एगुड़ा मो पाने सब डिस्कसन करी आउ थे डिस्कसन कर देख आउ का जमी 25 रू 25 ही नहीं आस लाइफ साइंस। तापर सेवेन पचार जोटे चलरेणु द्वारा वंश वृद्धि किए कैसे यूलोथ्रिक्स। तापर पचार एड्स रोग निरूपण विश्वसनीय उपाय कौन तो आठ नंबर पे जा एलाइजा है जार स्पेलिंग हूँ ए ई सॉरी ई एल आई एस ए ताको कही ए लिसा कहीकि मन रखापी है पचार अपुष्पक उद्भिद थालस विखंडित हुए प्रत्येक अंश गोटे गोटे संपूर्ण उद्भिद परिणत हुए तो नौ नंबर पिलाने यहाँ गोटे हूँ स्पाइरोगायरा देखा जाए। तापर दस नंबर पचार बीजाणु के प्रणाली वंश विस्तार कै तो दस नंबर पिलाने बीजाणु दुई विभाजन वंश विस्तार कै। तापर इलेवेन पचार मियोसिस गोटे आदि जायक कोषरु केतोटी अपत्य कोष सृष्टि होता है तो इलेवेन पे चारिटा हो तुम राइट आंसर। तापर पांच नंबर एगार गला बार भ्रूणर अंतरोपण पर क्यों प्रक्रिया द्वारा तीनोटी जायक कोष तैयारी होता है तो ट्वेल्व नंबर पे राइट आंसर हो तुम कौन ग्रास्टुलेसन मानने ऑप्शन डी। गोटे क्वेश्चन पे गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हूँ भ्रूण बंध होची माँ और गर्भाशयर गर्भाशयस्थ शिशु मध्य एक जैव संयोग ये क्वेश्चन टा आमर प्रीवियस चैप्टर तेरे थिला जोड़ा कि देनी किंतु गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो पार जदि पचार माँ गर्भाशयस्थ शिशु माँ देखिए पिलामने जो जन्म होता है गोटे नाड़ाटा गोटे कटा हुए ना तो सेटा होची भ्रूणबंध सेटा सांगे माँ ता छुआ सांगे कनेक्ट होगी थाए तो तुम पचार डैश होची माँ और गर्भाशयस्थ शिशु मध्य एक जैविक संयोग तो पिलामने तार राइट आंसर हो भ्रूणबंध एटा थिला तुम्हारा प्रीवियस चैप्टर। तापर तेरह नंबर देख पचार कौन शुक्राणुर मध्यभाग मिडिल पीस मध्यभाग कौन रही है तो थर्टिन पे राइट आंसर हो माइटोकॉन्ड्रिया। तापर फोर्टिन पचार शुक्राणुर अग्रपिंडक पक्ष को कौन थाए तो चौदह नंबर पे तुम राइट आंसर हो कौन थाए ऑप्शन सी न्यस्टी। तापर पंदर नंबर पचार क्यों जीवटी दुई विभाजन पृष्ठ अनुलंब भाव होता है तो फिफ्टन पाने राइट आंसर युग्लिना। तापर सिक्सटिन पचार क्यों जीवर वृद्धावस्था न थाए तो सिक्सटिन पाने राइट आंसर हो किए एमीबा। तापर सतर पचार प्रतिकूल परेश वंशवृद्धि कराणीटी किए तो सतर हो पाने अप्सन ए मैंने स्पंज। तापर अठर पचार एमिबार बहु विभाजन जनन क्रिया को कौन बोली कह जाए तो 18 पिलाने राइट आंसर हो कौन स्पोरुलेसन। तापर आसला 19 पिलाने पचार कौन शुक्राशय मध्य शुक्राणुर विकास समय क्यों कोष खाद्य जोगाए यहाँ गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन तो यहाँ हो पाने सटली कोष आडी कोष लेडी कोष तो आम टेस्टोस्टेरोनटा क्षरण होता है जोटा कि गोटे पुरुष हार्मोन किंतु खाद्य जोगाए सटली कोष। तापर 20 पचार उद्भिदर क्यों अंगटी वृद्धि पाई फल परिणत हुए तो 20 नंबर पे राइट आंसर हो कौन डिंबाशय। तापर 21 पचार क्यों गछर फूल एकलिंगी तो 21 नंबर पे राइट आंसर हो कखारु। तापर 22 पचार गोटे प्राथमिक डिंबाणुकोषर परिपक्वन शेष में केतोटी पोलार बॉडी तैयारी हुए तो 22 नंबर पे तुम राइट आंसर हो कौन ऑप्शन सी माने 3। तापर 23 पचार एड्स रोगर खलनायक माने नायक नहीं खलनायक हुए किए तो 23 पाने से वायरस माने भूताणु। तापर 24 पचार अर्ध विभाजन शेष में गोटे आदिजायक कोष में 2n संख्याक गुणसूत्र थिले अपत्य कोष में गुण संख्या केते तो 24 पाने ऑप्शन ए एन। तापर 25 पचार पारामिशियम नामक एककोशी प्राणीर जनन क्रिया क्यों पद्धति रे संपादित होता है तो 25 राइट आंसर हो पाने कौन ऑप्शन बी अनुपृष्ठ द्विविभाजन।
तापर छब्बीस पचार स्पर्मियोजेनेसिस क्या कहुए तेल 26 नंबर पिला माने राइट आंसर हो कौन प्राक शुक्राणु कोषर शुक्राणु जो सृष्टि होता है सहीटा को आम से पद्धति स्पर्मियोजेनेसिस कहुए तापर सतैस पचार प्लास्मोडियम स्पोरोजोइट जो बहुविभाजन प्रक्रिय वंश विस्तार कै ताक आम कौन बोली कहते पिला माने जल्दी जल्दी डिस्कशन कर ठीक अच्छे कहीं ना हमारे एग्जाम काली अच्छे लेट्रे कले हेनी तो 27 पिला माने राइट आंसर कौन तो 27 रो पिला माने राइट आंसर हो कौन साइजोगोनी माने ऑप्शन ए होगा पिला माने तुम्हारा राइट आंसर तापर स्पोरुलेशन कौन पिला माने एमिबार जो बहुविभाजन प्रक्रिया स्पोरुलेशन कहते हैं तापर आसला 28 पचार डिंबाणुर विकास और परिपक्वन पर कौन कहुए तो 28 रो पिला माने राइट आंसर हो कौन ग्राफियन फॉलिकल तो पिला माने जितना डिंबाणुर विकास स्टार्ट हुए से गोटे प्राथमिक फॉलिकल भाव में होता है परवर्ती समय से वृद्धि घटे कौन हुए से ग्राफियन फॉलिकल रूप निए जो थे कि तुम परिपक्व डिंबाणु थाए तो 28 रो पिला माने राइट आंसर हो तुम कौन ग्राफियन फॉलिकल टिके गड़बड़ करी क्वेश्चन लिखी तापर आम जी 29 को जो थे पचार टिश्यू पोषण पद्धति उत्पन्न प्रारंभिक टिश्यू समूह को सामग्रिक भाव कौन कहुए तो 29 पिला माने राइट आंसर हो बी माने कालस कहुए तापर 30 पचार कौन जाइगोटिन रे पितामाता ठारु आसीथिबा सदृश गुणसूत्र गुड़िक परस्पर आड़ को आकृष्ट होती और लंब भाव में जोड़ा जोड़ा हो लगि रुहती यू कौन कहते तो यू पे आपुंजन कहते तापर 31 पचार समस्त प्रकार कोष सृष्टि करोष को कौन कहुए तो 31 जो पिला माने पूर्ण विभवी कोष तापर 32 पचार पत्र द्वारा क्यों उद्भिदर अंगीय जनन हुए तो 32 पिला माने हो कौन अमर पोई तुम राइट आंसर तापर 33 पचार शुक्राणु क्यों अंश द्वारा चल प्रचल होता है तो 33 हो पाने टेल माने लांज तापर 34 पचार एड्स सृष्टिकारी कारकटी कौन तो 34 नंबर पिला माने राइट आंसर हो कौन एड्स के सृष्टि करे तो यहाँ पिला माने तुम हो रेट्रो भाइरस कहीं ना आरएनए जो भूताणु माने था पश्च भूताणु बा रेट्रो भाइरस बोली कहते तापर 35 पचार गर्भाशय पछपट नड़िया अंश को कौन बोली कहुए तो 35 पिला माने तुम राइट आंसर हो जरा ग्रीवा बा सर्विक्स तापर पचार कौन 36 क्यों सपुष्पक उद्भिदर अजुग्मित फलन हो न था तो 36 पिला माने तुम ऑप्शन डी माने कखारु तापर 37 ने पचार कौन उभय केशर और फलिका थी निम्नोक्त फूल क्योंटी तो 37 पिला माने राइट आंसर हो मंदार सोरिष ऑप्शन ए तापर 38 पचार सम विभाजन क्यों अवस्था अपत्य गुणसूत्र गुड़िक कोषर दुई मेरुरे जमा हूँ तो यहाँ पिला माने ऑप्शन डी माने तुम अंतिम बस्ता तापर पचार तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन 39 कोषर थिबा केन्द्रपिंड बा जोड़ा सेंट्रियोल कहते समविभाजन क्यों अवस्था दुई भाग में विभक्त हो दुई विपरीत मेरुआड़ गति कै तो 39 पिला माने ए आद्य अवस्था होगा तुम राइट आंसर तापर 40 पचार क्यों प्राणीर शुक्राशय दुईट शरीर भितर थाए तो 40 पिला माने राइट आंसर हो हाथी आउ तिमी माने उभय ए आउ बी पिला माने 41 पचार मनीषर शुक्राशय कहीं शरीर बाहर थी शुक्रमुंडे थाए तो 41 पिला माने कहीं शुक्रमुनि तापमात्रा कम तापर पचार 42 शुक्राशय मध्य सटली कोषर कार्य कौन तो 42 रिला माने तुम राइट आंसर हो कौन खाद्य जोगाण तापर पचार 43 डिंबाणु जनन बेले आदिजायक कोषर केतोटी डिंबाणु जात होइथाए तो 43 पिला माने राइट आंसर हो एक तापर पचार गैस्ट्रुलार केतोटी जायक स्तर थाए नंबर 44 जहाँ राइट आंसर होन तापर पचार 45 क्यों उपाय जात गछर गुण प्रत्येक पीढ़ी में परिवर्तित होइथाए तो 45 पिला माने मंजुरुजात गछ तो 46 पिला माने तुम कौन पचार कि सम विभाजन केउंटी देखा जाए ना तो 46 पिला माने जीन रो आदान प्रदान देखा जाए ना तापर 47 पचार फलिकार केउ अंशटी न थाए तो यहाँ हो पिला माने पराग रेणु तापर पचार भ्रूणकोषर गुणसूत्र संख्या केते क्वेश्चन पिला माने तुम भूल करो मैक्सिमम तो यहाँ 3n हो जाए राइट आंसर एन 2n कहार जहाँ इच्छा हुए कह तापर 49 पचार गोटे मातृकोषर गुणसूत्र संख्या 10 हेल्ले समविभाजन उत्तरावस्था कोष मध्य केतोटी क्रोमाटिड रो या पिला माने 20 माने ऑप्शन सी तापर पचार क्यों उपावस्था गुणसूत्र गुड़िक क्षुद्राकार
ओ मुद्रिका सदृश होइथांती। तो 50 नंबर पिला माने तमरो राइट आंसर हे जीव कोन ऑप्शन बी माने डायाकाइनेसिस। तापर 50 गला तापर आमे जीव पिला माने हमर नेक्स्ट चैप्टर माने हमो परिवेश जोडा कि लास्ट चैप्टर। ताले ए वीडियो टी सोइला बेलकु तमरो टोटल एसी 2 पई कि जहा सब सिलेबस थिला माने एसी 1 सिलेबस को छाड़ी के तमरो पूरा कंप्लीट हे जीव। ठीक अछि ताले पिला माने देखो हमर 9 चैप्टर आमो परिवेश जहार कि फर्स्ट क्वेश्चन तमन बचा छि गोटी अंचल रे बास करथिबा समस्त जीव ओ निर्जीव वस्तु को नहीं कौन गठित होता है। तो एक नंबर पिला माने तुम राइट आंसर हो कौन ऑप्शन ए परी संस्था। तापर दुई नंबर पचार परी संस्था अणुजीव मान को कौन बोली कह जाए। तो दुई नंबर पिला माने ऑप्शन सी हो गला तुम राइट आंसर माने अपघटक। तापर तीन नंबर पचार पिला माने क्यों वैज्ञानिक इकोसिस्टम शब्दर प्रचलन करते। तो तीन नंबर पिला माने राइट आंसर हो किए एजी टैंसली माने ऑप्शन ए। तापर पिला माने चार नंबर पचार खाद्य श्रृंखल क्यों माने द्वितीय खाद्य स्तर अच्छा। तो चार नंबर पिला माने तृण भोजी। तापर पांच नंबर पचार कौन डाली जातीय फसल चेर में क्यों बैक्टीरिया जबक्षारजन विबंधन कै। तो फाइव रो पिला माने राइट आंसर हो ऑप्शन सी माने राइजोबियम। तापर छ नंबर पचार पिला माने ग्रह मानक मध्य सूर्य ठार अवस्थान क्रम पृथ्वीर स्थान केउठी। तो छ नंबर पिला माने राइट आंसर हो ऑप्शन सी माने तृतीय। तापर सात नंबर पचार वायुमंडल क्यों गैस परिमाण सर्वाधिक क्यों गैस नाइट्रोजन जहाँ आम कहते जबक्षार जान। तापर आठ नंबर पचार प्लब उद्भिद सॉरी प्लब हूँ एक डैश। तो आठ नंबर पिला माने राइट हो राइट आंसर उत्पादक। तापर नाइन पचार उन्नीस 1935 एजिटान्स क्यों शब्दर प्रचलन करते। तो नौ नंबर पिला माने कौन इकोसिस्टम माने ऑप्शन सी। तापर दस नंबर पचार सब प्रकार प्राथमिक भक्षक को कौन बोली कह जाए। तो दस नंबर पिला माने राइट आंसर हो बी माने कौन तृण भोजी। तापर इलेवेन पचार परिसंस्था प्राणी मानक खाद्य संपर्क में गोटे सरल रेखा पर न हो छंदा छंदी हो कौन गठन करती। तो इलेवेन जो पिला माने खाद्य जाली माने ऑप्शन ए। तापर जीवा में बार नंबर को जोटार के पचार केउंटी गोटे सूक्ष्म पोषक। तो सूक्ष्म पोषक हो जाए बोरन। तापर पचार तृणभोजी परिसंस्था क्यों क्रमटी ठीक। तो तेरह नंबर पिला माने ऑप्शन सी माने घास। तापर झिंटिका झिंटिका को बेंग खाइब बेंग को साप साप को छिल। तो ऑप्शन सी हो गला पिला माने तुम्हारा राइट आंसर। तापर चौदह पचार सब प्रकार द्वितीय भक्षक को कौन कह जाए। तो यहाँ हो पा मैंने कौन तृणभोजी। तापर सर्वभोजी प्राणीटी किए पंद्रह नंबर पिला माने ऑप्शन सी मनीष। तापर षोह पचार परिसंस्था क्यों माने अपघटक पर कार्य करती। तो षोह नंबर पिला माने मांसाशी और कवक हो तुम राइट आंसर। तापर सतर पचार दस प्रतिशत नियम किए प्रणयन करते हैं यहाँ गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन हो पार। तो सेवेन्टीन रिला माने आर एल लिंडेमैन हो तुम राइट आंसर। तापर जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को 18 पिला माने पचार जदि तृणभोजी स्तर में मिलूबा शक्तिर परिमाण 20 क्यालोरी हुए तेबे सेई खाद्य श्रृंखल रे मांसाशी दुई को केते कैलोरी शक्ति मिली पारे। तो 18 नंबर पिला माने राइट आंसर हो 0.2 माने ऑप्शन बी। तापर तुम 19 रे पचार गोबर गैस और धूमहीन कोईला और चिलार व्यवहार पर क्यों संस्था गाँव मानक कार्य करूँगी। तो उन्नीस हो पिला माने कौन केरल शास्त्र साहित्य परिषद माने ऑप्शन सी। तापर आम जा 20 को जो थे पचार क्यों प्राणी जैव परिवर्तन जो सबुठार अधिक क्षतिग्रस्त हो। तो 20 नंबर पिला माने मनीष माने ऑप्शन ए हो तुम राइट आंसर। तापर 21 रे पचार केउंटी जैव विविधता ह्रासर कारण नुहे। तो 21 रो पिला माने राइट आंसर हो जैव विविधता ह्रासर कारण के नुहे जंगल सृष्टि ये गोटे भल जिन बाकी खनिखन नदीबंध योजना शिल्प कारखाना पाई कि जैव विविधता कमी जा। तो 22 रे पचार परिसंस्था स्वभोजी उदाहरण केउंटी। तो 22 नंबर ऑप्शन सी पिला माने हे गला तुम्हारा राइट आंसर। तो माने फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर था लाइव चैट रे कमेंट करो। तापर 23 रे पचार केउंटीर जैव परिवर्तन जो चढ़ईर अंडा खोलपा तैयारी रे प्राधाप्त हुए। तो 23 हो पिला माने कीटनाशक औषध। तापर 24 रे पचार परिसंस्था शक्तिर प्रभाव केमती। तो शक्तिर प्रभाव सब एक तरफा। तापर 25 रे पचार परिसंस्था शक्तिर प्रभाव काठू आरंभ हो शीर्ष भक्षक पहुँचे। तो 25 पिला माने सूर्य ठारू आरंभ हुए।
तापर पचार दिल्ली और यार आखपाख अंचल वायु प्रदूषण उपरे गवेषणा करने आउ सह गवेषणा करने सहित सबुज बलय सृष्टि क्यों क्यों संस्था कार्य कर तो 26 पिलामने हिजो डी माने कल्प वृक्ष तापर जीवा आम 27 नंबर को जोटा कि पचार शीतलकरण जंत्र निर्गत क्यों गैस ओजन छिद्रर अन्यतम कारण तो 27 पिलामने तुम राइट आंसर हो 27 नंबर सीएफसी होगा तुम राइट आंसर ऑप्शन सी। तापर 28 रे पचार तापगति विज्ञान प्रथम नियमटा कौन तो 28 पिलामने राइट आंसर हो शक्ति गोटे रूपर अन्य रूप को रूपांतरित हुए। तापर जी आम 29 जोटा कि पचार इकोलोजिकल पिरामिड धारणा किए देते तो इकोलोजिकल पिरामिड धारणा देते किए चार्ल्स एल्टन किए चार्ल्स एल्टन। तापर पचार क्योंटी सूक्ष्म पोषक अटे तो 30 पिलामने राइट आंसर हो सूक्ष्म पोषक हो जाए गोटे किए सोडियम। तापर पचार परिसंस्था पोषकर प्रभाव कौन तो 31 पिलामने पोषकटा सब चक्राकार भाव में प्रवाहित हुए। तापर 32 रे पचार क्योंटी गोटे स्थूल पोषक अटे तो 32 रो पिला माने तुम राइट आंसर हो ऑप्शन सी मैग्नीशियम। तापर 33 रे पचार कौन अश्म मंडल कहा द्वारा गठित कह ताले माटी पत्थर पहाड़ द्वारा अश्म मंडल गठित। तापर 34 खाद्य श्रृंखल रे खूब बेसी रे केतोटी खाद्य स्तर थाए तो पिला माने 5टा हेगला तुम राइट आंसर। तापर 35 परिवेशर सबुठारु कम शक्ति क्यों स्तर रु मिलिथाय तो एटा हिजो डी पंचम। तापर 36 अम्ल वर्षार कारण क्यों दीटा ताले सल्फर डाइऑक्साइड गोटे नाइट्रोजन ऑक्साइड गोटे ऑप्शन सी। 37 वायुमंडल रे क्यों गैस रो वृद्धि जोगु विश्वतापन माने ग्लोबल वार्मिंग होउछि तो एटा हिजो पिला माने अंगारकाम्ल आउ अलगा सबु सबुज कोठरी गैस ऑप्शन ए। तापर पचार क्यों बैक्टीरिया स्वाधीन भाव जबकारजान को एमोनिया रे परिणत करती तो 38 पिला माने हेगला कौन आजाटोबैक्टर। तापर 39 बिजुली जो जबकारजान अम्लजान रासायनिक विबंधन कौन सृष्टि हुए नाइट्रोजन ऑक्साइड। तापर क्यों मानक स्वपोषी स्वभोजी कहा जाए तो 40 हो गला पे सबुज उद्भिद को। तापर 41 पचार क्यों इकोलोजिकल पिरामिड केवल सड़ख होता है तो 41 पिला माने जो कोटा शक्ति पिरामिडटा। तापर 42 कहा को सकल शक्तिर आधार कह जाए किए सकल शक्तिर आधार सूर्य। तापर प्रोटीन नु आमोनिया को बाहर कर नाइट्रेट रे परिणत कर बैक्टेरिया कौन बोली कहते कौन नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया। तापर कहा जो परिसंस्था पोषक कुंड परिपूर्ण रुहे कापें कि सबुज उद्भिद मानी। तापर जैव परिवर्तन जो आम शरीर में कहार परिमाण बढ़ुची एटा पिला माने सी कीटनाशक। तापर सबुज बल सृष्टि कल्पवृक्ष धूमहीन कोईला व्यवहार सबुज बल सृष्टि जो कल्पवृक्ष धूमहीन कोईला व्यवहार से क्यों संस्था केरल शास्त्र साहित्य परिषद। तापर 47 पर्वत जो अश्ममंडल हिमप्रभा कौन तो 47 ही जाऊँ पे हिमप्रभा जा जलमंडल। तापर 48 कल्पवृक्ष मान कौन कल्पवृक्ष गोटे कौन तो यहाँ गोटे स्वेच्छासेवी संगठन। तापर 49 अति बैगण रश्मि प्रभाव में क्यों रोग होबार संभावना थाए तो यहाँ चर्म रोग युवे चर्म रोग हुए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडल में क्यों गैस परिमाण वृद्धि विश्वतापर अन्यतम विश्वतापन अन्यतम कारण तो पे ये क्वेश्चन आंसर तुमने कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आदि भिडियोटी भल लगेगा तो लाइक कर और सांग भितर सेयार करके चैनल को सब्सक्राइब कर दियो सो दैट कि तुमने रेगुलाली भिडियो पापर आउ का जो तुम एस ए टू एक्जाम सरपर तार आंसर के भी अपलोड करदेवि सो दैट कि तुमने जापर तुम कैसे मार्क्स स्कोर कल तो थैंक यू पे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमरोज एग्जाम। थैंक यू।